इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग जारी है और सबूत के तौर पर दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर किए गए हमलों की फुटेज भी जारी की जाती रहती है। ताजा हमला इसराइल ने किया है। इसराइल के ड्रोन हमले में हिजबुल्ला के दो कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसमें लेबनानी आतंकवादी समूह का एक वरिष्ठ कमांडर भी शामिल था। ये हमले तब हुए हैं जब इजरायली वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल तोमर बार ने हिजबुल्ला को चेतावनी दी कि इजरायल आतंकवादी समूह के खिलाफ अपने हमलों को काफी तेज करने के लिए तैयार है। तोमर बार ने एक बैठक में कहा कि हिजबुल्ला को कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि दर्जनों विमान अब दक्षिणी लेबनान के आसमान में काम कर रहे हैं और जैसे ही आदेश दिया जाएगा ये दर्जनों विमान सैकड़ों में बदल जाएंगे और कुछ ही मिनटों के भीतर मिशन को अंजाम देंगे। इसराइल का साफ कहना है कि वो अपनी सीमा पर हिजबुल्ला बलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने लगातार चेतावनी दी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कूटनीतिक माध्यमों से हिजबुल्ला को सीमा से दूर नहीं किया तो इसराइल कार्रवाई करेगा। इसराइल की धमकियों के बावजूद हिजबुल्ला ने उसके ड्रोन हमले के जवाब में इजरायली मेरोन एयरबेस पर बमबारी कर दी। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमले के जवाब में इजरायली मेरोन एयरबेस पर हमला किया। हिजबुल्ला ने लेबनान में बीते दिन दोपहर में घोषणा की कि उसने इजरायली कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ कई अभियान शुरू किए हैं और हिजबुल्ला ने इजरायली बलों के खिलाफ अपने अभियानों को समाप्त करने के लिए गाजा पट्टी पर आक्रामकता को समाप्त करने की शर्त भी रखी है। कौन किसकी शर्त पर अमल करता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन हमलों में अब तक हजारों निर्दोषों और मासूमों की जान जा चुकी है और सीमावर्ती इलाकों के हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और प्रशासन पर उनकी रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं।